हाय गाइस, मैं हूं हुज़ैफ़ा और आप लोग देख रहे हैं हुज़ैफ़ा जोन, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है साइबरपंक 2077 के ऊपर, जो कि एक अपकमिंग गेम है जो कि कल मतलब 10 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। आई होप सो इट डोंट गेट्स डिलेड अगेन, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि अब ये डिले हो, लेकिन अब कन्फर्म हो गया ये गेम आ रही है बिकॉज काफ़ी सारी इसकी और भी काफ़ी सारे इसके यूनिक फीचर्स और उसकी लीक्स वगैरह आ गई हैं, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो भी न्यू फीचर्स की लीक्स मिली हैं और जो भी उनका गेम प्ले वगैरह होगा, अगर मुझे प्रोवाइड कर दिया गया, मुझे अलाउ हुआ, कोई कॉपीराइट वगैरह का इशू ना हुआ, तो वो मैं आप लोगों को शो कर दूंगा। वरना आप लोग समझ जाइएगा कि कॉपीराइट के रीजंस की वजह से मैंने आपको वो गेम प्ले शो नहीं किया, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो इस गेम के अंदर आ गई हैं, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे यूनिक फीचर्स आए हैं जो कि अभी कल ही मुझे पता चले हैं, जो कि मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ओके गाइज, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। हम लोग 1700 के बहुत करीब हैं, तो यार इस वीडियो के बाद 1700 के पूरे करवा दो। 1700 के कहाँ से हो गए 17 के करवा दो। एंड या ओके, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ जो कि पहला फीचर जो मुझे मिला है, जो कि है कि प्लेयर कस्टमाइजेशन। इस गेम के अंदर अपने प्लेयर की कस्टमाइजेशन वगैरह आप लोग कर सकते हो, आप लोग इस पर अपने प्लेयर को अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो कि फीचर GTA ऑनलाइन के अंदर है, सादा GTA के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। मतलब GTA जो ऑफलाइन स्टोरी मोड गेम थी, उसके अंदर हम अपने प्लेयर को कस्टमाइज़ नहीं कर सकते थे, बल्कि उसको शॉप्स वगैरह पर जाकर थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर सकते थे, लेकिन इस गेम के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा अपने प्लेयर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इसमें काफ़ी डिटेलिंग है, गेम में काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, क्योंकि गेम को तकरीबन बहुत अरसा हो गया था गेम को बनते हुए। ये GTA 5 से पहले का गेम बन रहा था और अब जाके ये गेम बना है और अब रिलीज़ होने वाला है, तो काफ़ी मास्टरपीस भी हो सकता है। अब ये देखना है कि इसमें बग्स कितने आते हैं, बाकी चीज़ें कितनी आती हैं। तो ये था पहला फीचर जिसमें हम अपने प्लेयर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके बाल वगैरह और उसके बाकी बॉडी पार्ट्स वगैरह भी, अपने प्लेयर की हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको फैट कर सकते हैं, स्लिम कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे इस तरह के फीचर्स हैं। मतलब पूरा अपने प्लेयर की एक एक चीज़ की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जो कि आप सोच सकते हो, मतलब काफ़ी डीपली इस पर काम किया है। दूसरी बात यह कि पहले हमें सुनने में मिल रहा था इस गेम के अंदर हमें सिर्फ फर्स्ट पर्सन मोड ही मिलेगा ड्राइविंग करते हुए, लेकिन अब गेम के डेवलपर्स ने कन्फर्म किया है कि हमें इसमें थर्ड पर्सन मोड भी देखने को मिलेगा, जो कि अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि थर्ड पर्सन अगर ना होता तो ये गेम जो है थोड़ा सा मज़े का ना लगता। लेकिन मैं चाहता था कि थर्ड पर्सन जो है ओवरऑल गेम होती, लेकिन चलो खैर, थर्ड पर्सन हमें कोई व्हीकल चलाते हुए मिल रहा है, तो इट्स ओके, कोई भी कार चलाते हुए, कोई भी बाइक चलाते हुए मिल रहा है। तो ये है दूसरा फीचर जो कि साइबरपंक 2077 के डेवलपर्स ने, CD प्रोजेक्ट रेड के डेवलपर्स ने कन्फर्म किया है। ओके, थर्ड चीज़ जो है वो ये है कि साइबरपंक 2077 में आप GTA की तरह कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि आप किसी की भी गाड़ी के पास जाओगे, दरवाज़ा खोलोगे, अंदर घुस जाओगे और लेके निकल जाओगे कि जी भाई ये मेरी गाड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आप लोगों को डेडिकेटेड गाड़ियाँ मिलेंगी, आप खरीद सकोगे या कोई इस तरह का होगा, मैं अभी कन्फर्म मुझे नहीं है कि क्या है सीन, ना ही उन्होंने इतना क्लियरली बताया। बस यही है कि आपकी अपनी जो कार होगी आप उसी को ही लेके यूज़ कर सकोगे, बाकियों की यूज़ नहीं कर सकोगे, या इसमें भी कोई चीज़ है, कोई लिमिट्स वगैरह पता नहीं है, डीपली उन्होंने नहीं बताया, ये तो गेम खेलने के बाद पता चलेगा क्योंकि गेम रिलीज़ हो रही है कल। तो ये था तीसरा फीचर जो कि नया निकल के आया साइबरपंक 2077 के। उसके अंदर चौथा फीचर ये है कि आप अपने प्लेयर को 3 स्टोरी मोड्स हैं, आप चाहे एक स्टोरी मोड ले लो, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, आपके स्टोरी मोड्स डिफरेंट होंगे और आपका हर एक्शन का इक्वल ही रिएक्शन निकलेगा। मतलब आप जो करोगे उसकी अलग स्टोरी लाइन है, अगर आपने एक ऑप्शन चूज़ किया तो उसकी अलग स्टोरी लाइन है, आपने एक ऑप्शन चूज़ किया तो उसकी अलग स्टोरी लाइन है। मतलब गेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड ट्विक्स डालने हैं साइबरपंक 2077 ने, और काफ़ी ज़्यादा गेम को हिट करने की कोशिश कर रही है साइबरपंक 2077, क्योंकि काफ़ी अरसे से ही गेम पे काम कर रहे थे और गेम का बताया जा रहा है, गेम का जो टाइम है, जो गेम के आवर्स हैं, वो मोर देन 30 डेज हैं मेरे ख्याल से। अभी मैं कन्फर्म नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल से गेम जो है काफ़ी लंबी होने वाली है। ये नहीं कि आपके कोई 20 घंटे की गेम हो, 30 घंटे की गेम हो, तो गेम का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब गेम आप जल्दी छोड़ोगे ही नहीं, तो काफ़ी बड़ी गेम होने वाली है ये, और ये डिपेंड आप पे भी करता है तो कि आपको कितना टाइम लगता है, कितनी कितनी देर खेलते हो, तो काफ़ी लंबी और बड़ी गेम होगी। दूसरी बात ये कि इस गेम के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको इस गेम के अंदर लाइक आप
ओपन वर्ल्ड तो गेम है ही है, लाइक आपके अंदर इसको डिफरेंट एरियाज देखने को मिल जाएंगे, लाइक आपको मॉडर्न शहर तो देखने को मिल रहा है, लाइक टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल एडवांस सिटी तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है इस गेम के अंदर। लेकिन इसके अलावा अलावा आपको इस गेम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस देखने को मिल जाएंगी, लाइक सी शॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि इस गेम को काफ़ी अच्छा बनाती हैं, और एडवांस वेपन्स देखने को मिल जाएंगे, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं साइबरपंक 2077 ने जो इंक्लूड की हैं इस गेम के अंदर, विच आर ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप सो इन्जॉयड। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, एंड कीप सपोर्टिंग मी। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।